वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। जा रही है नहीं, हम ये आवाम को, जनता को, पब्लिक को ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक वायबल अपोजिशन की बेहद सख्त ज़रूरत है, और कांग्रेस और एनसीपी जो है कई मुखामात पर तो ग्राउंड छोड़ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरी राय है, कांग्रेस और एनसीपी बमुश्किल 120-110 सीट पर ही मुकाबला सीरियस कर रहे हैं, माँ बाकी जगह पर तो उनको सब नाम के डाल दिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी में ये वैक्यूम ना रहे। दूसरा ये है कि औरंगाबाद के हमारी कामयाबी मिलने के बाद आवाम में एक बहुत उम्मीदें हैं, एक्साइटमेंट है, और औरंगाबाद की जो हमको कामयाबी मिली वो एक इम्तियाज़ जलील को तमाम औरंगाबाद के हर तबके, हर बैकग्राउंड, प्रोफेशनल हो या जो भी हो, उन सब ने मिलकर कामयाबी दी। तो उससे भी जो एक MIM का एक इमेज बना दिया गया था कि ये सिर्फ एक ही तबके के हित की बात करती है, वो भी उससे गलत साबित हुआ। और चौथी बात यह है कि जितने वीकर सेक्शंस हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ भी हैं, उनका एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, फिर डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं ख़ास तौर से मराठवाड़ा में, यहाँ पर पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है और किसानों की खुदकुशी का मसला है। तो यही अहम चार पांच हमारे मुद्दे हैं। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से पोल पिच रहा है, तो वैसे साहब ये चुनावी मुद्दे ज़्यादा दिखाई नहीं देते, ज़्यादातर बात हो रही है राष्ट्रीय मुद्दे की, महाराष्ट्र के मुद्दे कम दिखाई दे रहे। बात हो रही 370 की, बात हो रही है ट्रिपल तलाक की, बात हो रही है राम मंदिर की। अब देखिए, ये इसको मुद्दा बनाने वाले तो खुद प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं, यही कह रहे हैं कि 370 की बात क्यों नहीं करोगे तो पानी में डूब मरो, ट्रिपल तलाक जैसा कानून दोबारा लेकर आओ। तो अब इलेक्शन में अगर वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको डिस्पेल करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने का तरीका एक ही है कि हम प्राइम मिनिस्टर से खुद पूछते हैं कि क्या महाराष्ट्र का किसान जब हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकता तो क्या वो श्रीनगर में ख़रीद पाएगा? ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो फिर आप महाराष्ट्र के, अगर आप इतने मुस्लिम हित हैं तो फिर महाराष्ट्र में आपने मराठों को रिजर्वेशन दिया और मुसलमानों को जो 55 जो बरादरियां हैं जिनका एम्पिरिकल डेटा है बैकवर्डनेस का, आप अपर कास्ट के लोगों को, मराठाओं को रिजर्वेशन देते हैं, और जो दलितों के बाद जिसकी बर्बादी की दास्तान सबको मालूम, एक मुसलमान IAS ऑफिसर नहीं। जो ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है, लेडीज़ में फीमेल इलिटरेसी ज़्यादा है, आप उनको नहीं देते और आप मराठाओं को देते, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की चूंकि बात निकली, साथ में साथ मुस्लिम आरक्षण तो कांग्रेस सरकार ने दिया था, ये BJP सरकार ने पीछे लगा, क्योंकि आपके आपके टारगेट पर। नहीं नहीं नहीं, देखिए सबसे बड़ी परेशानी जो है ना, और हर प्रॉब्लम जो क्रिएट करती है कांग्रेस क्रिएट करती है, अगर वो उनकी 2014 में 2-3 महीने थे असेंबली इलेक्शन को, उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हम उस वक्त भी, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, आपके प्रोग्राम में भी आया था मैं, कि उस वक्त एक इनके अजय कुमार स्पोक्स पर्सन थे, एक इंडिया टुडे पे TV प्रोग्राम हुआ था, राजदीप ने किया था, मैंने कहा था कि तुम धोखा दे रहे हो, इसलिए कि तुम ऑर्डिनेंस जारी किए जब तुम्हारे पास असेंबली में तुम्हारे पास मेजॉरिटी है, तुम एक्ट पास कर देते। अगर एक्ट पास कर देते तो एक्ट का एक्ट को अल्ट्रा वायरस करार देना, या फिर एक्ट का तो टाइम पीरियड नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया और जब मसला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को निकाल दिया और कहा कि हाँ मुस्लिम रिजर्वेशन रहेगा, एजुकेशन में रहेगा, क्योंकि ये बैकवर्ड है। BJP ने अपनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और मुसलमानों से अपनी तासुब और नफरत का इस तरह इजहार किया कि वो ऑर्डिनेंस को लैप्स होने दिया और मराठाओं का फिर से उन्होंने नया ऑर्डिनेंस लाया और असेंबली में बिल पास करा दिया। तो यकीनन इसमें कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, BJP की जिम्मेदारी है, और मराठा रिजर्वेशन का डिबेट देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी तो खामोश थी असेंबली में, सिर्फ तायद कर दिखा मराठा को दो और अच्छा किया बाद में बोल दिया, मुसलमान कहाँ जाएगा फिर। एक ये भी बात उठ रही चुनाव में, उद्धव ठाकरे प्रचार कर रहे हैं, कहते हैं कि ओवैसी महाराष्ट्र में नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। देखिए मैं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो शिवसेना कह रही है कि हम ओवैसी से बदला लो, इसको आगे बढ़ने मत दो, इसको निकाल को खाड़ कर फेंक दो। भाई इनकी जबान है, ये तो इनकी ट्रेडिशनल जबान है। और अगर उद्धव ठाकरे को तकलीफ़ है मेरी जबान से तो वो जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेरा कोई स्पीच का वो कंप्लेन करें जाकर। भाई सामना में आप लिखने से क्या हो, आप क्या पत्थर की लकड़ी लिख रहे हैं? चुनाव है, आप कोई बात उठाएंगे हम उसका जवाब देंगे, यही जमहूरियत की खूबसूरती है।